हेलो एवरीवन, आई एम कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है नवाबी सेवइयां, और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बारीक सेवइयां। देन हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ घी। जब तक घी मेल्ट होता है आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए। घी जो है वो अच्छी तरह से अब मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सेवइयां, और इनको हम फ्राई करेंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इनका जो कलर है वो मेंटेन रहे और ज़्यादा डार्क ना हो। सो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 4 टेबल स्पून शुगर के। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर शुगर यूज़ कर रही हूँ। सेवइयां अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, और अब मैंने इसे डाल लिया है एक ट्रे में, और इसको हल्का सा ग्लास से प्रेस करेंगे ताकि ये जो सेवइयां हैं वो सही से सेट हो जाएं ट्रे में। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। बिल्कुल लाइट सा आपने प्रेस करना है ताकि वो ट्रे में एकदम से अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो अब मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पे एक बोल, और उसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। आप चाहें तो आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, जिसे हम मिल्क पाउडर भी बोलते हैं। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, वो भी 2 टेबल स्पून। एंड एट द एंड हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून, और इस सबको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। एकदम अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। सो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे दूध और इसको बॉयल होने देंगे। तो जो दूध है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, और इसमें मैं डाल रही हूँ मिक्सचर जो अभी आपके सामने हमने रेडी किया था, और साथ साथ इसको डालते जाएंगे और बिल्कुल स्पैचुला की हेल्प से इसको हिलाते जाएंगे। इसको हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। सो इसको साथ साथ हिलाते रहिए जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता।
सो हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फॉर्म में रेडी है। सो अब हम इसको स्प्रेड करेंगे हमारी सेवइयों में। ये हमारा सेकंड स्टेप है और इसको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली इसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद लास्ट स्टेप है इसके ऊपर सेवइयां स्प्रिंकल करना। ये वही फ्राई सेवइयां हैं जो कि हमने पहले फ्राई की थी, सो उसमें से आपने थोड़ी सी निकाल के रख लेनी है साइड पे बाद में स्प्रिंकल करने के लिए। सो इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हाथ से या स्पून से, जो भी मेथड आपको ईजी लगता है। सो एट दी एंड इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़े से वॉलनट्स। अगर आपके पास दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट वीडियो तो आप सबके लिए अपलोड करना ही था। सो गाइज, ये थी हमारी आज की रेसिपी एंड आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। सो तब तक खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।